हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं DIY फिश पॉन्ड। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने DIY फिश पॉन्ड बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मटेरियल जमा करके रखा हुआ है, ठीक है। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। तो ठीक है गाइस, अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, फिश पॉन्ड बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा की हुई है आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक लाइक टब लिया हुआ है, 60 रुपीज़ का ये टब है, ठीक है। उसके बाद गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ एक्वाटिक प्लांट्स लाए हैं। इन एक्वाटिक प्लांट्स को मैं इस टब के अंदर लगाने वाला हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ सैंड लिया है, ये सैंड का हम लेयरिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रेत भी ली हुई है, इसके अंदर रेत है। तो देखिए, इतना ही मटेरियल मैंने लिया हुआ है गाइस। एक लाइक लो बजट हम फिश पॉन्ड यहाँ पे बनाने वाले हैं, और फिश पॉन्ड में अपने गप्पी फिशेस के जो बेबीज है उनके लिए बनाने वाला हूँ। तो ठीक है गाइज, अभी हम फिश पॉन्ड बनाते हैं। तो गाइज, सबसे पहले जो मिट्टी मैं लेकर आया हूँ, ये मिट्टी का हम लेयरिंग करने वाले हैं टब के सबसे बॉटम में। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लेयरिंग करेंगे अच्छे से। अभी मैं मिट्टी क्यों डाल रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि जो हम एक्वाटिक प्लांट लगाने वाले हैं ना, वो प्लांट ये मिट्टी जो है अच्छे से होल्ड करके रखेगी, ठीक है। तो ये मिट्टी को मैं ले लेता हूँ, इसको हम अच्छे से इसके अंदर लेयरिंग कर देते हैं। तो ठीक है गाइस, देखिए कुछ इस तरीके से अच्छे से हमको इसमें जो है लेयरिंग कर लेनी है। इस मिट्टी को मैं अंदर दबा देता हूँ अच्छे से, इसको हम टाइट कर देते हैं नीचे सतह पर, एकदम चिपकना चाहिए। ओके, इस तरीके से इसमें कुछ फ्लावर्स भी आ गए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद गाइस, हम जो है सैंड इसके अंदर डालने वाले, इसके ऊपर सैंड का भी लेयरिंग करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं सैंड लेकर आया हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो इस मग्गे से हम सैंड निकालेंगे। देखिए गाइस, आप देख सकते हो अभी इस पर हम सैंड की लेयरिंग करेंगे। तो देखिए गाइज, मैंने सफिशियंट सैंड इसके अंदर डाल दिया है, इसको अच्छे से हम इक्वल कर देते हैं लेवल को, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे गाइज, इसके अंदर जो हमने लाया वो एक्वाटिक प्लांट है, उस एक्वाटिक प्लांट को हम इसके अंदर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ गाइज, ये प्लांट जो है मैं एक्वेरियम शॉप से लेकर आया हूँ। अभी इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, बट अगर आपको गाइज इसका नाम पता होगा तो आप कमेंट में बताइएगा कि इस प्लांट का क्या नाम है। इसको हम खोल लेते हैं अच्छे से। तो देख सकते हो गाइज, इसके अंदर मैं एक एक्वाटिक प्लांट लेकर आया हूँ पूरा का पूरा। देखिए, इस प्लांट का नेम मुझे पता नहीं है, बट अगर आपको पता होगा गाइज तो आप कमेंट कीजिएगा कि इसका क्या नेम है, ठीक है। तो एक्वाटिक प्लांट है, पानी के अंदर रहता है। तो अब इसको हम बीचों बीच लगाने वाले हैं हमारे पॉन्ड के। आप देख सकते हो, इसके अंदर मैं एक होल करता हूँ छोटा सा, देखिए इतना मैंने होल कर दिया इसके अंदर। उसके बाद ये जो प्लांट के रूट्स है ना, इसके अंदर हम ऐसे लगा देंगे। तो देखिए गाइज, आप देख सकते हो इसके अंदर जो है मैंने प्लांट के जो रूट्स है इसके अंदर अच्छे से फिट कर दिए। तो अभी ये हमारा जो पॉन्ड है वो रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम वाटर फिल कर देंगे गाइज, ठीक है। धीरे धीरे हम इसको डेकोरेट भी करेंगे, बट उस समय से मतलब धीरे धीरे डेकोरेट करेगा, अभी नहीं करेगा। अभी मैंने इतना सामान लाया नहीं डेकोरेशन के लिए, अभी फिलहाल तो बेसिक पॉन्ड ही हम बनाते हैं। तो मैं पानी लेकर आया हूँ गाइस, आप देख सकते हो पानी लेकर आया हूँ। ये जो पानी इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, तो पानी एकदम धीरे धीरे डालना है, वरना ये ख़राब हो जाएगा पॉन्ड। थोड़ा स्लोली स्लोली पानी डालते हैं हम। Thank you.
तो देखिए गाइस, आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर पूरा पानी फिल कर दिया है, ठीक है। और आप पानी का कलर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ब्राउनिश हो गया पानी, ठीक है। तो गाइस हमको है ना 3 से 4 दिन का वेट करना होगा, क्योंकि पानी के अंदर अभी पूरा मिट्टी मिक्स आउट हो चुका है। आपको अभी प्लांट भी ठीक से दिख मतलब नहीं दिखता होगा, तो हम 3 से 4 दिन वेट करते हैं गाइस। ये जो पूरा मिट्टी है, पूरा मिट्टी नीचे बैठ जाएगा और पानी जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम 3 से 4 दिन बाद हम दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो गाइस अभी 4 डेज हो चुके हैं और आप देख सकते हो ये जो हम पॉन्ड बनाए थे इसका जो वाटर है कितना ज़्यादा क्लियर हो चुका है। आप देख सकते हो अभी सीधा हम अंदर भी देख सकते हैं अच्छे से। देखिए इसके अंदर मैंने आलमंड लीफ एक एक्स्ट्रा का ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ना एक कपी फिश का मेरे पास प्लांट था, छोटा सा फ्लोटिंग प्लांट, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सूख चुका था तो इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। अभी हम इसका भी ग्रोथ देखेंगे कि कपी फिश का प्लांट कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने बनाया DIY फिश पॉन्ड, ठीक है। तो इसके अंदर मैं जो है गप्पी फिश अभी डालने वाला हूँ। मेरे पास गप्पी फिश के जो बेबीज थे वो अवेलेबल है, वो अभी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने गप्पी फिश के बेबीज का ही मतलब बताया था, तो उन्हीं बेबीज को मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ।